नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 525 का पांचवा पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी काफ़ी मोटिवेशन फील होता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 24 and 36। तो इसमें आपको 18, 24 और 36 का महत्तम समात वर्तक निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 6 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, इफ़ -2 < -1/2x < 4 देन। तो इसका जो राइट आंसर है 102 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, आइटम बाउट वाई ट्रेडर फॉर ₹80 आर सोल्ड फॉर 100, द प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। यदि एक विक्रेता द्वारा 80 रुपये में क्रय की गई वस्तु ₹100 में बेची गई तो लागत कीमत के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित लाभ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 25%। 25% आपका राइट आंसर है। ये तो इजीली मैथ का क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, गिवन दैट ए एंड वी आर इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरली एन इंटीजर। तो ए और बी पूर्णांक दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से पूर्णांक नहीं है। तो 104 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी v^a, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी सबसेट डज द सेट a, v, c, d, e है। तो इसका जो राइट आंसर है 105 का वो है ऑप्शन नंबर d 32, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इन द सीक्वेंस 2, 7, 14, 23, 34 and y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है 106 का ऑप्शन नंबर c 47 है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। तो 107 है, ए मैन रेगुलर पे इज ₹3 per hour अप टू 40 hours, ओवर टाइम इज ट्वाइस द पेमेंट फॉर रेगुलर टाइम। इफ ही वाज पेड ₹168, हाउ मैनी आवर्स ओवर टाइम डिड ही वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है 107 का वो है ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108, द नंबर 0.0417 इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 109, ए मैन बाउट इट शर्ट एट ए सेल, ही सेव्स ₹30 ऑन नॉर्मल प्राइस व्हेन ही पेड ₹120 फॉर द शर्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द शर्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 109 का वो है आपका ऑप्शन नंबर a 20 rupees, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस एंड हाइट्स ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर द सेम, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वी सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 111 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसका जो राइट आंसर है 111 का वो है ऑप्शन नंबर बी 125 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका 112वां क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर, द रेक्टेंगल इज कन्वर्टेड टू ए स्क्वायर बाय ट्रिपलिंग द विड्थ एंड टेकिंग ए क्वार्टर ऑफ द लेंथ, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 113, इफ़ एन इंक्रीज ऑफ 20% विल चेंज द प्राइस ऑफ एन आइटम टू 480 रुपीज़, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 400 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 114वां क्वेश्चन, द सम ऑफ द परसेंट फ्रिक्वेंसी फॉर ऑल क्लासेस विल ऑलवेज इक्वल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 100 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है 115वां क्वेश्चन, ए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैंपल सच ए सैंपल मीन इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन, एंड नॉट ग्रेटर देन 61549 इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, इन ए 5-नंबर समरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डेटा समराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 25th percentile। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 118 नंबर क्वेश्चन, सिंस द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डेटा वैल्यू इट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगला है आपका 119, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द डेविएशन अबव द मीन इज ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर है 120 का वो है ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 121, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक प्राचीन वंश है, तो कौन सा है आपका वो है मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो किसके चरक किसके किस वंश का प्रसिद्ध राजवैद्य था, तो किसके का था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर है 123 का ऑप्शन नंबर सी पल्लव राजा। नेक्स्ट है आपका 124वां क्वेश्चन, वेयर डिड द ट्रैवलर IBN बातुआ कम फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है 124 का ऑप्शन नंबर डी मोरक्को। ठीक है, इवन बतूता जो था वो कहाँ से आया था, वो मोरक्को से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 125 नंबर क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी
हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इस वीडियो के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।